जगन्नाथ मंदिर के बारे में पांच बातें जो आपके होश उड़ा देंगी। एक, प्रकृति की आचार संहिता की अवहेलना। एक बच्चा भी जानता है कि कपड़े का कोई भी टुकड़ा अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उड़ने के लिए हवा का प्रभुत्व रखता है। एक ही सिद्धांत के कई अनुप्रयोग हैं। आपके जहाज पर विशाल पाल से लेकर आपके हाथ में एक छोटा झंडा तक सभी एक ही कोड का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर लगा झंडा सिद्धांत का एक अनूठा अपवाद है। यह विशेष ध्वज बिना किसी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के हवा के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। दो, चढ़ाई। मंदिर के गुंबद के ऊपर लगे झंडे को बदलने के लिए हर दिन एक पुजारी मंदिर की दीवारों को 45 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई से खंगालता है। यह अनुष्ठान उस दिन से बहुत पहले का है जब मंदिर बनाया गया था। अभ्यास बिना किसी सुरक्षात्मक गियर के नंगे हाथों से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कैलेंडर से एक दिन अनुष्ठान को छोड़ दिया जाता है तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। इससे पेशेवर पर्वतारोहियों को जलन हो सकती है। तीन, एक प्रकाश जिसमें कोई अंधेरा नहीं है। कुछ भी स्केच करते समय एक आवश्यक विवरण छायांकन है। छायांकन तब होता है जब सूरज की रोशनी विषय के एक हिस्से को दूसरे पर छाया छोड़ती है, जो अंततः छाया को ट्रिगर करती है। लेकिन क्या होगा अगर किसी चीज की छाया न हो? कहा जाता है कि मंदिर में दिन के किसी भी समय किसी भी दिशा से कोई छाया नहीं होती है। क्या यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार या मानवता के लिए भगवान जगन्नाथ का संदेश हो सकता है? चार, सुदर्शन चक्र की पहेली। सुदर्शन चक्र के रूप में मंदिर के शिखर पर दो रहस्य मौजूद हैं। पहली विषमता इस सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे कठोर धातु का वजन लगभग 1 टन था, बस उस सदी की मानव शक्ति के साथ बिना किसी मशीनरी के वहां कैसे उठी। दूसरा चक्र से संबंधित वास्तु तकनीक से संबंधित एक सौदा है। हर दिशा से देखो, चक्र उसी रूप में पीछे मुड़कर देखता है। यह ऐसा है जैसे इसे हर दिशा से एक जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। पांच, भगवान के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं उड़ता। आकाश पर डोमेन है। हम पक्षियों को हर समय अपने सिर और छतों के ऊपर बैठे आराम करते और उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन यह विशेष क्षेत्र प्रतिबंधित है। मंदिर की गुंबद के ऊपर एक भी पक्षी नहीं मिलता है। यहाँ तक मंदिर के ऊपर एक हवाई जहाज भी नहीं देखा जा सकता है। शायद इसलिए कि भगवान जगन्नाथ नहीं चाहते कि उनकी पवित्र हवेली का नजारा खराब हो।